साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न है, साई वाणी करते समय पूरी तरह से सजग कैसे होना चाहिए। मैं इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनको ये प्रश्न पड़ा, मतलब उन्होंने सोचा है और साई वाणी को करने के लिए, और साई ध्यान और साई क्रिया के बारे में कम से कम आप सोचते रहे हो, और ये सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं, देखो जिंदगी में किस चीज के डर है आपको? हर एक को मृत्यु का डर है, मतलब हर एक को लगता है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे दुख होता है, मुझे परेशानी है। दुख तो आने वाला है, सुख के बाद दुख है, दुख के बाद फिर से सुख है, सुख से बाद फिर से दुख आएगा। मृत्यु तो हर घर में है। एक महिला थी, बुद्ध के जमाने की कहानी है, और वो बहुत रो रही थी क्योंकि उनका एक लौता बेटा गुजर गया था। वो गई बुद्ध के पास, किसी ने कहा कि पास के गांव में बुद्ध आए हैं, जाके उनको मिल ले, तेरा शायद बेटा मरा हुआ बेटा वो जिंदा करके देंगे, वो तो भगवान है। वो बुद्ध के पास गई और बुद्ध के पास रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और कहे, हे भगवान, मेरा एक लौता बेटा गुजर गया, जो मेरे जिंदगी का चिराग था, मेरे जीवन का लक्ष्य था, वही नहीं रहा, मैं क्यों जीऊँ, मेरे बेटे को जिंदा करो। बुद्ध स्मित हास्य करते और कहते हैं, माँ मैं तेरा बेटे को जरूर जिंदा करूँगा, बट एक बात याद रखना, तू किसी गांव में जा, इसी गांव में जा, और वहाँ से एक छोटे से मुट्ठी भर धान लेके आना, जिस घर में एक भी मौत नहीं हो। तो एकदम परेशान होते तो कहते, मैं अभी लाती हूँ, मुझे कोई भी देगा, और फिर वो जल्दी उस गाँव में चली जाती है। अपनी व्यथा कहती है, लोग कहते हैं, बहन मुट्ठी भर क्या, तेरे को बैलगाड़ी भर मैं धान दूंगा, लेकिन हमारे घर में किसी न किसी की तो मृत्यु हुई है। पूरे गांव घूमती है, शाम को पहुंचती है बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध बोलते, क्या हुआ, आपने लाया धान? तो उन्होंने प्रसन्नता के साथ, उसके चेहरे में दुख में भी एक प्रसन्नता थी, उन्होंने कहा, मुझे आपके जो आपने संदेश दिया उसका बोध हो गया, मुझे अभी कोई किसी को जिंदा करके नहीं करना है, क्योंकि हर घर में मृत्यु है, लेकिन मृत्यु आने से पहले हमें जीना है। बहुत सारे लोग परेशान हैं अपने जीवन में। आप कितना दौड़ोगे, कितना दौड़ोगे मुझे बताओ, कहीं ना कहीं तो रुकोगे क्या, नहीं रुकोगे? साई वाणी का तो मतलब यही है, ध्यान में जाओ, जीवन में वही खुशी है, लेकिन सजगता के साथ जियो। कभी कभी लोग हर छोटी छोटी चीज को बिल्कुल अहमियत नहीं देते, कहते कितनी छोटी चीज है, क्या हो सकता है, स्वच्छ भारत करने से भारत थोड़ी स्वच्छ होगा, पहले हमें खुद को स्वच्छ होना पड़ेगा, हमें आजू बाजू में स्वच्छता करनी पड़ेगी, फिर गांव की करनी पड़ेगी, फिर जिले की करनी पड़ेगी, फिर राष्ट्र की करेंगे, फिर देश की करेंगे, लेकिन हमें शुरू से अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरों को खाली बोध करके फायदा नहीं है। मैं जो छोटी छोटी कहानियाँ बताते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में सजग बनो। नर्क और स्वर्ग के बारे में तो आपने जाना है, ये भी कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझो, आपको स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग नर्क कहीं दूसरी जगह पे नहीं है, अपने पास ही है। जापान की कहानी है, वहाँ समुराई जो वहाँ के योद्धा जो होते हैं उसको समुराई कहते हैं, और एक ह्युआन नाम का बहुत बड़ा समुराई था, ह्युआन, ह्युआन। तो गया एक फकीर के पास और फकीर को कहा, मैं सबसे ज्ञानी और महान समुराई हूँ, मुझे स्वर्ग में जाने का रास्ता बताओ। तो फकीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, कौन हो तुम? बोले, मैं समुराई हूँ, महान समुराई हूँ। अरे तू तो फिक्र लगता है, भिखारी लगता है, तू कहाँ का समुराई? उसको तुरंत गुस्सा आया, उसने तलवार निकाली और उसको मारने लगा। तो उसने कहा, रुक, देखिए नरक है,
जो कर रहे हैं ना अभी, ये नरक है, गुस्सा नरक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होना नरक है, गाली देना नरक है किसी के साथ। मैं भी मेरे जीवन में कुछ गलतियां, मैं पहले जब बहुत जोर शोर से बात करता था, थोड़े थोड़े चीजों से मुझे भी गुस्सा आता था, लेकिन जब मैं साई वाणी करने लगा, बाबा ने एनलाइटमेंट में मेरे जीवन में बदलाव लाया, मैं खुद बदल गया। मेरा एक दोस्त मुझे पूछता है, बहुत दिनों यार तेरे मुंह से गाली नहीं सुनी, दे नहीं सकता मैं अभी, क्यों? मैं सच के मेरे खुद के एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, मैं दूसरों की पटी हुई बातें नहीं कह रहा हूं आपको, इतनी सच्चाई में आपके साथ बोलने का मुझे विश्वास है कि मैं अभी नहीं दे सकता गाली। क्यों? क्योंकि मैं खुद बदल चुका हूं। भाई और बहनों, जब वो समुराई को पता चला कि वो फकीर उसकी परीक्षा ले रहा था, और बाद में उसने नमस्कार करके उसकी माफी मांगी, तो तुरंत फकीर ने कहा, ये देख अभी ये तू जो कर रहा है ना, ये है स्वर्ग। मतलब नम्रता से, लीनता से, विश्वास से, प्यार से, समोपचार से अपने एक दूसरे का हाल पूछ के जीना, मतलब है स्वर्ग। और गुस्सा करना, गाली देना, तलवार से मारना, ये है नरक। देखो ना कितनी सारी समस्या सिर्फ गुस्से से पैदा हुई है। अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो भाई और बहनों, तो आपको बदलना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा जीवन में। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है, आपको खुद को बदलनी पड़ेगी, और जब एक बार बदल गई तो आपको किसी चीज की फिर जरूरत नहीं है डरने की। यही तो बात है, यही तो जीवन है। क्यों मैं बार बार ये कह रहा हूं आपको कि अभी आपको क्या करना है, सजगता से रहना है। एक बार एक ऐसी तीसरी और महत्वपूर्ण कहानी है, सजगता क्या है, ध्यान क्या है, जीवन क्या है, साई की क्रिया क्या है, साई बाबा ने क्या सिखाया अपने भक्तों को। साई चरित का महिमा शुरू करते समय मुझे कहना है आपको, जब आप शिरडी जाते हो ना, तो मुझे आप सबसे विनती है, एकदम एकदम मेरी आपसे मन से एक मनोकामना है, जो आप मन में चाहोगे वही बाबा करने वाले हैं। जो आप मन से चाहोगे ना, वही चीज को बाबा आपको देने वाले हैं। आज आपको साई बाबा के मन में आपके बारे में अगर कुछ अच्छा लाना है, और बाबा को आपकी मनीषा को पूरे करने के लिए बाबा के सामने रखना है, तो आज आपको आपको जो चाहिए वो बड़े आवाज से मन के मन में ही, और अपने रूम में, अपने घर में, आपके छत पे जोर से कहना है, हे साई मेरा सपना पूरा करो, और मुझे वो आशीर्वाद दे दो जो आशीर्वाद मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको खुद से बात करनी पड़ेगी। जरा थोड़ा सा मोबाइल साइड में रखे, अपने भाई बहन, घर वाले, माता पिताजी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, जो आपके दादा दादी, नाना नानी से बोलना पड़ेगा। आज एक ऐसा कॉल करना है आपको जिससे आप बहुत दिनों से बात नहीं किए, करो उसके साथ बात, और दिल खोल के बात करो उसके साथ। कभी मन मुटाव आया होगा ना, तो उसको माफी मांगो, नहीं तो माफ करो उसको, और कहो कि देख आज से मैं तेरे से जुड़ रहा हूं। साई का ये संदेश है नम्रता का। देखो मन में बोझ रखोगे ना, तो बोझ भर के ही मर जाओगे, मन खुला रखोगे ना, तो हल्का होके ऊपर चले जाओगे। नदी जब बह रही थी, और जब नदी रेत में चुप गई, तो नदी ने कहा कि मैं रेत में जाऊंगी तो मैं तो मेरा अस्तित्व ही खो दूंगी, लेकिन भगवान जब उसको कहता है कि तू डर मत, तू तेरा हवा में भाप बन जा, आगे जाके फिर से बारिश से मैं आऊंगी और फिर समुंदर को मिल जाऊंगी। नदी कभी रुकती नहीं, समंदर तक ही पहुंचती है। आपकी आत्मा से परमात्मा की सोच में है, और आत्मा और परमात्मा का मिलन है साई का आशीर्वाद। शिरडी में जब पहले लोग आते थे ना, तो अलग अलग समस्या लेके आते थे, तो बाबा उनकी समस्या दूर कर देते थे। आज भी बाबा समस्या दूर करते हैं, अगर तहे दिल से आप बाबा के प्रति विश्वास रखोगे तो। और वो जो चीजें होने वाली है ना, उसको रोको मत, कोई नहीं रोक सकता उसको। मतलब एक बहुत बड़ा फकीर होता है जो अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। एक शिष्य 5 साल फकीर के बाद सीखने के बाद, वो आखिरी दिन के लिए आशीर्वाद लेने जाता है, और तब बारिश होती है, तो अपना एक छाता और लेके जाता है। जैसे ही वो महल में पहुंचता है उनके यहाँ, तो बाहर छाता रखता है और उसके बाजू में जूते रख देता है। तो वो अंदर चला जाता है फकीर का आशीर्वाद लेके, और बोलता है कि अभी मैं निकल रहा हूँ। तो फकीर उसको आशीर्वाद देने के बाद इतना ही कहते हैं कि बेटा तूने छाता कहाँ रखा है? तो ये सोच में पड़ता है कि फकीर ऐसे क्यों पूछ रहे हैं गुरु जी, तो बाहर रखा है। जूते कहाँ रखे हैं, दाएं साइड में रखे या बाएं साइड में रखे? तो उसको याद नहीं होता कि दाएं में रखे या बाएं में रखे। तो कहता है गुरु जी मैं बता तो नहीं सकता दाएं में है या बाएं में। तो फिर उस फकीर उसको सलाह देता है कि और 5 साल के बाद फिर से आ, तुझे और 5 साल ध्यान करना है।
और 5 साल इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती छोटी बड़ी नहीं होती। साई बाबा के इथिक्स और प्रिंसिपल्स को अगर मानोगे तो ही जीवन बदलेगा। बाबा उसी को प्रसाद देते। मुझे एक मेरा मित्र बोल रहा था कि क्या सही में साई बाबा का आशीर्वाद मिलता है? जरूर मिलता है, श्रद्धा पूरी रखो। अरे जाना तो सबको है, लेकिन आशीर्वाद लेके जाओ। जीवन में वो कार्य करके दिखाओ जो कार्य आपकी राह देख रहा है। आपको क्यों क्यों विश्वास होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। जिस दिन मन में शंका आई कि बाबा है क्या नहीं, उस दिन सब खत्म हुआ। क्यों सोच रहे हो इन बातों को? है मतलब है, अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है। हमारा जीवन है, हमारा जन्म है, हमारा मृत्यु है, हमारा कार्य है, हमारा एक लक्ष्य है और हमें पहुंचना है। सबका मालिक एक, उन्होंने गुरु मंत्र दिया है, परमात्मा ही सबकी शक्ति है और ये तो है, ईश्वर की देन है। और मैंने जो आपको बहुत पहले दिन से मैं कह रहा हूं, प्रारंभ करो और जारी रखो। अपने जीवन में जो भी कार्य आप हाथ में लो उसको जारी रखो, आखिर तक पहुंच जाओगे, यही तो जीवन सफलता है। कुछ लोगों का जिंदगी और जीवन एक हो गया और ये जो एक हुआ जिंदगी है वो अपना जीवन है। बहुत महत्वपूर्ण सब चीजें हैं, नहीं भूल सकते आप इन बातों को और भूलना भी नहीं चाहिए। डरोगे तो कुछ नहीं होगा और विश्वास नहीं रखोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा। एक अंधा आदमी, एकदम अंधा आदमी, उसको सजा दी जाती है मृत्युदंड की। उसने कुछ गलती की होगी, लेकिन राजा भी थोड़ा सा दयालु होता है। वो कहता है देख, तुझे जिस कारागार में रखा है उसको 100 दरवाजे हैं, तू दरवाजा खोलेगा बाहर निकलेगा। 99 दरवाजों के सामने जैसे खोलोगे बाहर आपको वॉल दिखेगी, कहीं ना कहीं दीवार है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां दीवार नहीं है, तू बाहर आके निकल सकता है। तो अंधा आदमी होता है तो उसको लगता है चलो इधर मरने से तो अच्छा है कि हर बार खोले। तो वो दरवाजा खोलता है, बाहर जाता है, अंधा होता है, धड़क जाता है, उसके सर पे लग जाता है, खून निकलता है। दूसरी बार होता है, तीसरी बार होता है, चौथी बार होता है, पांचवी बार होता है, छठवीं बार होता है, ऐसे 99 टाइम वो करता है। हर दरवाजा खोलता है, बाहर जाके धड़कता है, लेकिन क्या होता है सुनो, जब 99 टाइम जब वो करता है तो उसको एक बार परेशानी लगती है, यार अभी दरवाजा तो खोला है, मुझे पता है सामने जाके वॉल ही है, दीवार ही है, मैं तो धड़कने वाला हूँ, खूनी आने वाला है। तो ऐसा करते चलो इसको छोड़ के आगे में चले जाते और उसी समय बाहर का दरवाजा खोला होता है, वहां दीवार नहीं होती है। लेकिन वो मन को निराशा में आता है और आगे जाता है फिर, और फिर से 99 चक्कर लगाता है। यही तो हम कर रहे हैं, हम इतने हमारे अंदर सब कुछ है, हम बाहर ढूंढ रहे। हर कोई ऐसा जीता है कि हम मरने वाले नहीं है। अरे तू राजा भी होगा ना तो भी मरेगा। एक राजा था, उसको सपना आता था सुबह 4-5 बजे कि वो मरने वाला है, तो वो डर जाता है, वो अपने वजीर के पास जाता है। वजीर को कहता है यार देख, मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, सुबह सुबह तो मुझे हर दिन सपना आता है कि मुझे कोई ना कोई यहाँ के मारने वाला है। तो वजीर वो थोड़ा उसको सबक सिखाना चाहता है। तो वजीर कहता है देख क्या आता है तेरे सपने में? बोलता है मेरे सपने में ऐसा आता है कि यमराज यहाँ आ रहे, मेरे सामने खड़े और मुझे अभी लेके जाने वाले। तो वजीर कहते तो ऐसा कर, तो ऐसा कर, अभी यहां से 100 किलोमीटर दूर जा, लेकिन 24 घंटे के पहले आपको पहुंचना है। अभी वो 100 किलोमीटर 24 घंटा वो अपने अच्छे घोड़े को लेता है, घोड़े में बैठता है और सीधा निकलता है। मरने से अच्छा है, उसको लगता है कि वहां जाके ना मरूं, यमराज तो वहां भी। जैसे ही 24 घंटे में वहां पहुंचता है, एक पेड़ के नीचे आराम से शांति से बैठने लगता है। दिन भर थका मांझा अपने घोड़े को दौड़ाते 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 खुद दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे बैठता है। सुबह सुबह वही यमराज पहुंच जाते हैं शाम को और कहते हैं अच्छा हुआ मुझे वहां तक आने के लिए आपने तकलीफ नहीं दी, आप खुद ही आए, चलो मेरे साथ। अरे मरना तो है भाई, हर जगह पे मरना है, आप डरते क्यों हो? कितने सारे बच्चे कहते हमें इस बात का डर लगता है। किस बात का डर लगता है? कौन हो तुम? तुम क्या कोई ऐसे ताम्रपट लेके आए हो क्या कि तुम 500 साल जीने वाले हो? लेकिन डरो मत, सजगता के साथ जियो। उसको पता, मैं हर कहानी के बारे में आज आपको कहना चाहता हूं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र ने मुझे कल उदयपुर से फोन किया, प्रेमाराम भारद्वाज नाम है उनका। प्रेमाराम ने मुझे पूछा, मुझे हर दिन डर लगता है। किस बात का डर लगता है प्रेमा? तू किस बात के लिए डर रहा है? अरे जिंदगी आज है, इसको जी ले, खुल के सजगता के साथ जी ले। हर चीज को तू ध्यान में ले ले। सजगता जिस दिन आएगी आपको कोई नहीं फंसा सकता, सजगता जिस दिन आएगी आपको कोई नहीं डरा सकता और अपने जीवन की शाश्वत पति हो चलेगी। पता चलेगी ना, कोई उस औरत को बच्चा प्यारा था, लेकिन जब गौतम बुद्ध ने बोला ऐसे घर में जा जहां कोई मरा नहीं है, कोई भी नहीं उसको मिला, तो इसका मतलब हर घर में दुख है। दुख क्या सिर्फ अपने पास है क्या?
आपको लगता है कि आपको सब कुछ होने के बाद भी आप बोलते हो मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, अरे इतना तो तुझे दिया, तुझसे गरीब लोग देख। हम क्या है ना, हमें मुझे एक बात अभी अभी समझ में आई, कुछ दिन मैं जब जाता हूँ इतने हजारों लोगों को मिलता हूँ, क्योंकि मैं आपको फिर से कहूँगा, मैं खाली भाषणबाजी करने के लिए यहाँ नहीं रुका हूँ, बिल्कुल नहीं रुका हूँ, मुझे बिल्कुल कोई सिर्फ इंटरटेनमेंट करने में मजा नहीं। अगर आपका जीवन नहीं बदलेगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हर दिन मेरी कार्यशाला बहुत व्यस्त रहती है, हजारों करोड़ों लोग आके मुझे मिलते हैं, मुझसे सलाह मशवरा करते हैं और आगे जाके अपना कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करके जीवन बदल लेते हैं। कितनी अच्छी बात हो रही है, इंटरटेनमेंट नहीं चल रहा है, ये ध्यान और ज्ञान है ना, ये आप सबके लिए है और बदलाव लाना चाहिए। साईं बाबा का आशीर्वाद है, 108 बुक जो मैंने लिखे, पद पद की खोज से लेके जीवन में आए हुए क्रांति तक और योग का महत्व से लेके व्यायाम का महत्व तक, इस बात को बहुत अच्छी तरह से ले लो भाइयों। माफ करिएगा कभी अगर मैं आपको कुछ बात अगर कही चुभने लायक कही तो मुझे माफ कर देना, मेरा इतना हक नहीं है, लेकिन आपका एक भाई हूं मैं। साई का आशीर्वाद जो मुझे मिला मैं आप सबको देना चाहता हूं। जीवन में क्रांति करो, क्रांति, और क्रांति ध्यान के बगैर नहीं होगी, क्रांति लक्ष्य के बगैर नहीं होगी, क्रांति जीवन का मकसद जब तक तय नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, और कभी कोई समय नहीं जाता है, जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। जो भी उम्र होने दो, रहने दो, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक जो तय किया ना मिले। देखो जिंदगी कितनी खुश है, इतनी अच्छी खुशहाली भरी जिंदगी है ना, अगर लक्ष्य है तो, और सकारात्मक सोच, कितना भी कोई निगेटिव बोले अपने में मत हिलना, आपका अंदर का दिया अगर बहुत तेज है ना तो आपको कोई बुझा नहीं सकता, इतना याद रखना। बाहर से कोई भी कुछ भी बोलेगा लेकिन अंदर का दिया आपका बहुत बहुत मजबूत और एक स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इसलिए बीच बीच में इंग्लिश शब्द यूज करता हूँ कि हिंदी भाषा में कुछ लोगों को शायद समझ में आए ना आए, मेरा उद्देश्य भाषा का नहीं है, मेरा उद्देश्य भाव का है, मेरा उद्देश्य प्यार का है, मेरा उद्देश्य साई संदेश का है। साई बाबा अपने भक्तों में, चावड़ी में, जहाँ जहाँ बाबा जाते थे शिरडी में, हर जगह पे लोग इकट्ठा होते थे, बाईजा माँ उनको खाना लेके आती थी और कहती थी बाबा बाबा आप हमसे छोड़ के मत जाना, दो दिन भी बाबा इधर उधर हो गए तो पूरे शिरडी के लोग प्यार में, बाबा के प्यार में डूब जाते थे, छोटे बच्चों से लेके हर बार एक को बाबा के प्रति लगा हुआ था। और बाबा जब बाईजा माँ खाना लेके आती थी तो बाबा वो खाना बहुत प्यार से खाते थे, जो भी बाबा को प्रसाद लाता था बाबा प्यार से खाते थे, और बाबा ने कभी अपने शिरडी से किसी को भूखा जाना नहीं दिया। अब भी कभी किसी को अगर कोई भूखा है ना तो उसको खाना खिलाना मत भूलना, क्योंकि अन्नदान ही श्रेष्ठ दान है भाई और बहन, जिसके पास नहीं होता ना उसको महत्व होता है। मैं आज करुणा के प्रति इतना ही कहना चाहता हूँ, सजगता से जियो, अपने जीवन में लक्ष्य रखो, अपने में ही स्वर्ग है,